सिनोनिम्स के बारे में, ये हमारी थर्ड क्लास होगी। ओके, तो आइए देखते हैं हम सिनोनिम्स के बारे में। सिनोनिम्स सबसे पहला है हमारा डायलेमा। अब डायलेमा क्या होता है? डायलेमा होता है हमारा सांसारिक। सांसारिक कैसा होता है? जो संसार से प्यार करे। ओके, तो देखिए सांसारिक कहते, इसे हम सांसारिक कह सकते हैं। क्या? सांसारिक। अब डायलेमा तो सांसारिक होता है। एक डायलेमा होता है परेशानी, कष्ट, पीड़ा, ठीक है, प्रॉब्लम जैसे कि कह सकते हैं हम। ओके, तो देखिए अर्थली, अब जो देखिए पृथ्वी पर रहते हैं वो लोग कैसे होते हैं? सांसारिक, ठीक है। वर्ल्डली, सांसारिक संसार मतलब वर्ल्ड, वर्ल्ड माने संसार। और सांसारिक कह सकते हैं, एलवाई लग रहा है तो सांसारिक, कोई सांसारिक कोई व्यक्ति होगा, ठीक है। टेम्पोरल, टेम्पोरल कैसा व्यक्ति होता है? बहुत ज्यादा सांसारिक व्यक्ति होता है। मंडेन भी सांसारिक व्यक्ति होता है, ठीक है। तो हमारे ये पांच वर्ड हमारे ये क्लियर हो चुके हैं इस वाली लाइन में, ठीक है। अब हम देखते हैं डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन क्या होता है? विनाश करना, कष्ट, विनाश करना किसी का। ओके, विनाश करना। हैवॉक कह सकते हैं, हैरिकन कह सकते हैं, डिल्यूज कह सकते हैं, रेवेज कह सकते हैं, इनंडेशन कह सकते हैं। अब देखिए हैवॉक, हैवॉक जो लोग वॉक ज्यादा करते हैं वो उनका मतलब, एक चीज याद रखिए आप, जो ज्यादा वॉक नहीं करते हैं वो कैसे होते हैं? वो विनाश के तरफ उनकी मृत्यु हो जाती है, मतलब लाइफ उनकी विनाश की तरफ जाती है, ठीक है। तो देखिए हैरिकन कह सकते हैं हम। अब देखिए हमारे विदेशों में क्या होता है कि कारें होती हैं, उन पर लिखा होता है हैरिकन, ठीक है। हैरिकन क्यों लिखता है? जो उनको देखता है कैसा हो जाता है? विनाशी हो जाता है। डिल्यूज, हम डिल्यूज कह सकते हैं, रेवेज कह सकते हैं। रेवेज करना किसी को क्या करना? बिल्कुल विनाश करना, जड़ से मिटा देना, ठीक है। इनंडेशन कह सकते हैं हम उसे। साइलेंट, अब देखिए साइलेंट कौन होता है? आपने सुना होगा साइलेंट के चुप करना, बिल्कुल शांत रहना। तो यहाँ पर मतलब क्या है इसका? साइलेंट का प्रमुख, क्या है? प्रमुख, कोई व्यक्ति प्रमुख हो, जैसे कि हमारे पीएम मोदी जी हैं, वो कैसे हैं? बहुत ज्यादा प्रमुख है हमारे देश के लिए, हमारे लिए, ठीक है। देखिए मेन, ये चीफ हो जाएगा। चीफ कैसा होता है? चीफ मिनिस्टर, जैसे कि योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम हैं, ठीक है। तो चीफ मिनिस्टर मतलब प्रमुख है। ओके, प्रमुख। मेन, मेन आदमी हो, जैसे कि मेन आदमी कोई भी हो हमारे देश का, वो कैसा होगा? बहुत ज्यादा प्रमुख होगा। प्राइम, प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं हम, प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं, तो वो कैसा होगा? प्रमुख होगा। अब देखिए प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट कैसा व्यक्ति होगा? प्रमुख होगा, प्रोमिनेंट, ठीक है। देखिए इम्प्रूव, अब आगे वर्ड आता है हमारा इम्प्रूव। इम्प्रूव क्या होता है? सुधार करना, किसी भी कमी में सुधार करना, ठीक है। तो हम कहाँ थे? इम्प्रूव। इम्प्रूव क्या कहते हैं हम उसे? इम्प्रूव करना मतलब सुधार करना, किसी भी अपने व्यवहार में सुधार करना। ओके, एमेलियोरेट कह सकते हैं, मोडी कम। अब देखिए मोदी जी क्या करते हैं? अपने भाषण में कभी कभी सुधार लाते हैं, उनसे कोई गलतियां हो जाती है तो क्या करते हैं? भाषण में सुधार लाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सिनोनिम हो जाएगा। रिनोवेट, अब देखिए रिनोवेट करना मतलब घर का, जो घर पे सुधार करते हैं हम, घर की साफ सफाई करते हैं, उसे बनवाते हैं, तो हम क्या करते हैं? रिनोवेट करते हैं। और हमारा क्या होता है? मेकअप होता है, ठीक है। इनोवेट कह सकते हैं हम, सुधार करना। अमेंड होता है सुधार करना, ठीक है। कंकर, अब कंकर क्या होता है? कंकर से आप याद रखिए, कंकर करना मतलब सहमत होना, किसी व्यक्ति से सहमत होना, क्या होना? सहमत होना, एग्री होना, करेस्पॉन्ड होना, ये सब किसके क्या है? सिनोनियम्स है। क्या करना? सहमत होना। अब देखिए लॉजिकल, लॉजिकल क्या होता है? तार्किक, तार्किक। लॉजिकल क्या होता है? तार्किक। रेशनल होता है, प्रोबेबल होता है, रीजनेबल होता है, ये सारे के सारे इसके क्या है? सिनोनियम्स हैं। क्या है? सिनोनियम्स है। रेशनल कह सकते हैं, प्रोबेबल कह सकते हैं, रीजनेबल, कोई भी कारण हो उसका तो हम क्या कह सकते हैं कि उसका कारण था, उसका तर्क था कि इसका ये कारण है, तभी तो रीजनेबल है। अब क्लोज फिस्टेड कौन होता है? ये क्लोज फिस्टेड होता है हमारा कंजूस आदमी, बहुत ज्यादा कंजूस आदमी कैसा होता है? क्लोज फिस्टेड। पार्सी मनी होता है, जिस पे पर्स ना रखता हो वो कैसा होता है? जो पर्स ना रखे वो कैसा होगा? कंजूस आदमी होगा। मीननेस होगा, मीननेस कैसा आदमी होगा? बहुत ज्यादा कंजूस आदमी होगा। माइजर तो आपने सुना ही होगा, माइजर, अगर माइजरली नेस कर दे तो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव बन जाएगा। अगर माइन ये है, माइजर है, तो क्या है? नाउन।
और माइजरलीनेस है तो क्या है एडजेक्टिव। ठीक है, तो कंजूस आपने सुना होगा, क्लोज फिस्टेड, क्लोज फिस्टेड आदमी कैसा होता है, कंजूस आदमी होता है। पारसी मनी जो पर्स ना रखता वो कैसा होता है, ये होता है हमारा कंजूस आदमी। और मीननेस कैसा होता है, कंजूस आदमी। माइजरलीनेस होता है कंजूस आदमी। तो ये वर्ड मैंने आपको कराए, आपको 33 वर्ड मैंने इस वीडियो में कंप्लीट करा दिए हैं और 42 वर्ड पहली वीडियो में कराए हैं, उससे पहली वीडियो में मैंने 100 कंप्लीट कराए हैं आपको पूरे। हम आपके पूरे के पूरे 500 सिनोनियम आपको करा देंगे। ठीक है, उसके बाद हम कोई और वोकैब करेंगे। ठीक है, ओके, तो ये हो गए आज की वीडियो में, बस इतना ही। ओके, बाय।